हेलो व्यूवर्स, क्या हालचाल। तो आज है डे 11 ब्लॉगिंग का और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। आज थोड़ा लेट हो गए थे सुबह उठने में, 6:30 बजे नींद खुली। तो बहुत सारे ऐसे क्लिप्स थे जो शूट करना मैं भूल गई। वेदू का स्कूल था और लेट हो रहा था तो जल्दी जल्दी के चक्कर में। ठीक है, तो ये दिया वेदू को नाश्ता, ठीक है, पराठा और सॉस दिया और उसे स्कूल के लिए भगाया कि भाई जल्दी लेट हो रहा है तो अब स्कूल जाओ। उसके बाद मैं चल पड़ी, शायद 10:30 हो रहा था, 10:30 बजे मैं चली नीचे, ठीक है, गार्डन की तरफ। तो ये रहा कुछ गार्डन का व्यू। तो मैंने अपने छोटे से भाई को कोरा में उठाया, मेरे मामा का बेटा है, और इसे लेके मैं आ गई यहाँ पे गार्डन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखा कि शंकर अंकल दूध निकाल रहे थे गाय का। ठीक है, इस एरिया का भी मैं ब्लॉग जल्दी यूट्यूब पर अपलोड करूँगी। ठीक है, तो ये सब देखने दिखाने के बाद फिर मैं आगे अपने हैप्पी प्लेस पे। ये मेरा और इस छुटुंकू का हैप्पी प्लेस है, क्योंकि इसे मैं 2 घंटे भी यहाँ रखूँ ना तो इसके मुंह से चूसे चा नहीं निकलती। ठीक है, पूरी दोपहर भर रहेगा, जब भी इसको यहाँ लेके आओ ना ये बिल्कुल नहीं रोता है। तो इसे मैं लेके आ गई गार्डन में और आराम से बैठा था ये मेरे साथ, ठीक है, कुछ घंटे। उसके बाद मैं गई ऑफिस में। मामा ने मुझे बताया था कुछ काम कि बुलबुल थोड़ा ऑफिस का काम है, थोड़ा देख ले, डाटा फिल करना था, तो वही ये करने आ गई मैं। ये सब करने के बाद जब मैं बाहर निकलती हूँ, ठीक है, तो देखती हूँ बारिश हो रही है। हाय हाय हाय, क्या मौसम हुआ था यार, बड़ा अच्छा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने 17 टेम्परेचर पे एसी ऑन कर दिया है और रिमोट छुपा दिया है। हाँ, क्योंकि बहुत ठंड भी लग रही थी। अभी अभी तो गर्मी शुरू हुई थी, फिर बारिश वारिश होके ठंड का मौसम आ गया, तो फिर मैं चली ऊपर। ऊपर जाती हूँ तो मामा लाए थे मेरे लिए क्रीम रोल। यार देखो, यही एक ऐसी चीज़ है ना जो बचपन से आज तक हमने खाई है होगी, है ठीक है, तो क्रीम रोल को इन्जॉय किया फिर उसके बाद। तो यार मुझे तो बचपन से ही बहुत पसंद है तो अच्छा लगा खा के। उसके बाद चलो अब हम चलते हैं। चलो आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो गेट बंद किया और पहुँच गए जहाँ हमें आना था। तो ये रहा एनटीपीसी का हॉस्पिटल। हाँ जी, हम हॉस्पिटल आए हैं क्योंकि मामू का जो मेरा बेटा है, ये कुटू मुटू छोटा सा, उसके पेट में कुछ दिक्कत वगैरह हो गई थी तो वहीं दिखाने आए थे। तो फिर पता चला कि डॉक्टर है नहीं, तो मामा कॉल पर डॉक्टर से बात कर रहे थे। ठीक है, और ये रहे मेरे दीपक मामू। ये जो हैं जिन्होंने बेबी को लिया है, ये मामू मेरे मामू के बचपन के बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, तो दीपक मामू आए थे तो लेके गए। फिर वापस आ गए हम घर। घर आने के बाद, ठीक है, तो ये जो आप व्यू देख रहे हो ना, ये देखो, ये है सरसों। और ये अभी सरसों, क्या कहते हैं यार इसे, सरसों निकाला जा रहा है, मतलब हाँ, ये सरसों का देख लो, खुद ही देख लो यार, समझ जाओगे। ये देखो, ये सरसों है, ठीक है, तो अभी इसका तेल निकलेगा, तो ये अभी प्रोसेसिंग में है। ये देखो, वैसे मैं ये पहली बार देख रही थी, वैसे हो रहा था घर ही में। तो ये देखो मशीन है, इसमें ये डालते हैं, इधर से सरसों अलग हो जाता है, इसके पत्ते वगैरह अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो कल के वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा शॉट डाला था इसका। ये देखो, इसमें ना आपको बीज नहीं मिलेंगे, ये जो छोटे छोटे सरसों के दाने होते हैं इसमें नहीं मिलेंगे। और इसमें दिखाती हूँ, इसमें है देखो, इसके अंदर ना, इसके अंदर छोटे छोटे दाने थे। तो मैं भी सामने से तो पहली बार देख रही थी ये पूरा प्रोसेस। और ये सरसों जो है ना, ये हमारी नानी के घर में ऐसे फार्म एरिया है, वहाँ पे ये होता है। तो ये घर का ये सब जो भी है, ये रहा मशीन, प्रोसेसिंग इसकी क्या है। उसके बाद आए और ये देखो मलाई वाली दही, आए हाय। वैसे सच बताऊँ तो मुझे दही बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मम्मी ने बोला था जा रही है तो खा पी के अच्छे से मोटे होके आना, ठीक है। तो सिर्फ मोटे होने के लिए, और इतनी मलाई वाली दही, मतलब भाई जिसे पसंद है उसे तो पता ही होगा कि क्या टेस्ट होता है इसका। तो ये रहे मामू और बोल रहे थे ये लो, ये भी सूट कर लो कि मैं कैसे खा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर दही वही खाया। उसके बाद से ये मामी ने निकाला माठा, माठा ही कहते हैं ना, हाँ माठा ही कहते हैं। तो ये देखो, ये घी निकाल रही है मामी,
तो माठा वाठा खाने पीने के बाद ये आ गई दिन में मैं सोने। वैसे मैं दिन में जल्दी सोती नहीं हूँ, लेकिन सोचा यार चलो आज सो ही लेते हैं। दिन में सोना इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि यार जब सो के उठो और वो जो पुनर्जन्म वाली फीलिंग आती है ना, तो उससे मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने सोचा चलो यार आज छोड़ो, सो ही जाते हैं। तो ये था आज का आधा दिन, ठीक है। आधे के आधे बाकी का दिनचर्या रातचर्या मैं नेक्स्ट व्लॉग में ला दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।